Hello everyone, this is your friend Ronita and welcome back to my channel Ministry of Happiness. आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ मेरे दिल के दरवाजे खोलकर सीरीज से अगला एपिसोड, जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ दो DIY। आज के पहले DIY में मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर पे परे परे इतने सारे जो प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं, स्पेशली शैम्पू के बॉटल, उनको हम किस तरह से एक खूबसूरत से प्लांटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो भी हैंगिंग वाला। और दूसरे DIY में मैं आपको दिखाने वाली हूँ किस तरह से एक बोरिंग से ग्लास जार को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग से प्लांटर, या फिर किचन का कोई कंटेनर, या फिर कुछ और। तो चलिए शुरू करते हैं आज का DIY। इस DIY को करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक प्लास्टिक का शैम्पू बॉटल, जिसे मैंने इसे बीच में से काट लिया है और इस नीचे के पार्ट को हम यूज करेंगे। नीचे के पार्ट के सामने एक हल्का सा कर्व सा कटिंग दिया है ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। अगला मैंने लिया है ये बोर्ड, जो आपको किसी भी एक स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगा, और साथ ही लिया है दो कलर के लेसेस जो स्क्रैप पड़े थे, और जूट की रस्सी, ये स्टेपलर और वाइट ग्लू। अब यहाँ पर सबसे पहले इस हाफ कट बॉटल को मैं अंदाजे से सेंटर पर रखकर एक सेंटर पॉइंट नाप लूंगी, और उस सेंटर पॉइंट से मैं दो होल बनाकर इसे हैंगिंग का सिस्टम बना दूंगी। साथ ही मैं इस हाफ कट बॉटल के ऊपर मैं वाइट लेस लगाकर इसे डेकोरेट कर दूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, वाइट लेस लगाने के बाद ये ऑलरेडी कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए अब लगा लेते हैं जूट रोप, ताकि ये लटकाने के लिए बन जाए। अब इस बड़े से स्टेपलर की मदद से मैं इसको फिर से सेंटर पर रखकर इस हाफ कट बॉटल को अच्छे से स्टिक कर लूंगी, ताकि ये इस जगह से बिल्कुल भी ना हिले डुले। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये काफी फर्म हो गया है और इसे अब हिलाना उतना आसान नहीं होगा। अगला स्टेप है, इसके बॉर्डर पे मैं वाइट ग्लू की मदद से एक लेस लगा लूंगी, ताकि इस पूरे स्ट्रक्चर को एक बॉर्डरिंग और फ्रेमिंग मिल जाए, और साथ ही में जो ऊपर दो होल किए हैं मैंने, वो भी छिप जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को एक बॉर्डरिंग और फ्रेमिंग दोनों मिल गई है। और ये रहा इसका फाइनल डेकोरेटिव लुक। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले DIY की तरफ। इस DIY को करने के लिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है एक स्प्रे पेंट, मास्किंग टेप, सीजर और एम्प्टी ग्लास जार जो मेरे पास पड़े हुए थे, और इनपे मैंने ऑलरेडी मास्किंग टेप एक पर्टिकुलर पैटर्न से लगा लिया है, और इसी के साथ एक आयरन होल्डर। इस DIY को करने के लिए मैंने जिन सामानों का इस्तेमाल किया है वो ऑलरेडी स्क्रीन पे आ चुके हैं। अगर आप चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके इन सामानों का एक लिस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस एम्प्टी ग्लास जार पे मैंने मास्किंग टेप कैसे लगाया है।
तरह से हम अपने ग्लास जार पे ये मास्किंग टेप को लगा लेंगे और एक पैटर्न बना लेंगे। अब जो अगला स्टेप है वो बहुत ही मजेदार है। अब हम इनको करेंगे पेंट स्प्रे पेंट से। मैंने यहाँ पे लिया है गोल्डन मेटालिक स्प्रे पेंट और उसको मैं इस बॉटल पे अब पूरा स्प्रे कर दूंगी। ये हो चुका है एक बॉटल जार कंप्लीटली स्प्रे पेंट। साथ ही में मैं इस आयरन होल्डर को भी स्प्रे पेंट करूंगी, पर यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मैं इसे कम्प्लीटली स्प्रे पेंट नहीं कर रही हूँ, मैं इसे थोड़ा पार्शियली स्प्रे पेंट करूंगी ताकि ब्लैक और गोल्ड का पार्शियल कलर होके ये एक एंटिक लुक दे दे। मैंने इन ग्लास जार के साथ इनके लिड्स को भी कम्प्लीटली पेंट कर लिया है। और अब ये सूखने के बाद इनका जो मास्किंग टेप था उसे हम धीरे से उतारेंगे ताकि जो पेंट किया हुआ पार्ट है वो खराब ना हो जाए। तो ये रहा पहला ग्लास जार का पैटर्न और इसी तरह से हम सारे ग्लास जार के मास्किंग टेप उतार लेंगे। आप देख सकते हैं इसको उतारने के बाद ये बहुत ही नीट एंड क्लीन सा एक पैटर्न बनाएगा। और इस तरह कंप्लीट हो चुका है हमारा ग्लास जार का पेंट एज वेल एज उसका होल्डर। सो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ द ग्लास जार बॉटल। इस बीच जब मेरे ग्लास के बॉटल स्प्रे पेंट हो चुके थे, ये लग तो काफ़ी अच्छे रहे हैं पर मुझे लग रहा है कि कुछ खाली खाली सा है, तो मैंने सोचा इस पे मैं कुछ इंटरेस्टिंग सा मोटिफ बना दूं ताकि ये चीज़ और इंटरेस्टिंग बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस पे कुछ पेंटिंग। मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ एक ग्लास मार्कर जो अप्सरा की है और इसके हेल्प से मैं यहाँ पर कुछ फ्री हैंड डिज़ाइंस बनाने वाली हूँ। यहाँ पर मैं एक पैडी प्लांट की तरह कुछ मोटिफ बना रही हूँ जिसके ऊपर एक छोटा सा फ्लावर भी होगा और इसे मैं कंटिन्यू करूँगी इस बीच के स्ट्रिप पे। अब ये ग्लास मार्कर से मार्किंग के बाद इस पर मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर या फिर फेब्रिक कलर से इसको अच्छे से कलर भी कर लूँगी। इस बॉटल पे मेरी ये फ्री हैंड पैटर्न कम्प्लीट हो चुकी है। मैंने इसी तरह से दूसरे बॉटल पे भी सेम पैटर्न बना ली है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने बना ली है। अब एक और पैटर्न मैं बाकी के दो बॉटल्स पे कर रही हूँ। ये देखिए, इस पे मैं बनाऊँगी एक वर्ली का पैटर्न। वैसे वर्ली पैटर्न बनाना बहुत इजी होता है, हमें बीच में सिर्फ दो ट्रायंगल बनाने पड़ते हैं जो बॉडी बनता है और कुछ स्टिक जैसे पैटर्न से हम इनके हाथ और पैर बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ऐसा ही कुछ कर रही हूँ। मैंने ये सेम पैटर्न एक और बॉटल पे कर लिया है, तो अब मेरे पास दो पैटर्न की चार बॉटलें हैं। एक है ये वर्ली पैटर्न और दूसरी वाली है पैडी प्लांट्स की पैटर्न। चलिए शुरू करते हैं अब इनको पेंटिंग का काम। इनको पेंट करने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ फेविक्रिल की एक्रेलिक कलर्स। पहला शेड है टर्क्वाइज़ ब्लू और मैंने लिया है पर्ल रोज और ब्लैक कलर, और साथ ही में मैंने लिया है एक दो नंबर की ब्रश, आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनको पेंट करना। ध्यान में रखिएगा, इनको पेंट करते वक्त मैंने कलर में किसी भी तरह का कोई डाइल्यूशन नहीं किया है, यानी किसी भी तरह से मैंने पानी नहीं मिलाया है ताकि इसका टेक्स्चर जितना हो सके थिक रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसका आउटलाइन कर रखा था और ये मैंने इसका फिलअप कर दिया है। और ये कम्प्लीटली फ्री हैंड है तो आपको बिल्कुल भी ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। इस जस्ट इसको आप
पेंट करते रहिए और देखते रहिए कि कितना अच्छा इसका इफ़ेक्ट आता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे स्ट्रोक्स को तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही इजी तरीका है इसको कंप्लीट करने के लिए। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा पेंटर होना है या ऐसा कुछ। आप आराम से सिर्फ अपने ब्रश के टिप पे कलर लगा लें और मैं यहाँ पे देखिए इनको सिर्फ फ्लैट तरीके से यहाँ पे बिठा दे रही हूँ और बस हो जा रहा है ये कंप्लीट। सो बन गया मेरा एक वर्ली आर्ट। फिनिश होने के बाद ये कुछ ऐसे लुक में आ रहा है। अब लग रहा है कुछ भरा भरा सा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर अब मेरा दूसरा पैटर्न भी बन रहा है जिसका एक मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है जो आपको मैं फाइनली दिखा दूंगी। इस पहले वाले वर्ली डिज़ाइन से ये दूसरा पैडी प्लांट का डिज़ाइन और भी ज़्यादा ईजी है क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री हैंड तरीके से आप बिना पैटर्न बिना स्टेंसिल के या बिना किसी प्रीवियस स्केच के आप आराम से इसको बना सकते हैं। सो मैंने दोनों ही डिज़ाइन आपको दिखा दिए हैं ताकि आप दोनों में से कोई भी डिज़ाइन ट्राई कर सकते हैं जो भी आपको इजी लगे, या फिर आप अपने मन से भी कोई भी डिज़ाइन ऐसे बॉटल्स पे या जार्स पे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। सो फाइनली बन गया है मेरा DIY ग्लास जार। ये डिज़ाइंस बहुत इजी है सो इनको आप ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसको करने में आपको कितना मज़ा आया। वैसे मेरे दिल के दरवाजे खोलकर सीरीज से एक और एपिसोड भी हमने बनाया है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर उसे देखिएगा जिसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगी। सो ये है इसका फाइनल आउटलुक। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि मेरे कुछ और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग मी सच लव। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी लाइकवाइज़।